वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। आज का जो हमारा प्लांट है जो आज हम लगाने जा रहे हैं वो भी किचन गार्डनिंग का की सब्ज़ी है और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद नहीं भी करते। तो ये देखिए मेरे पास क्या चीज़ है, इसके पहचाने ये क्या चीज़ है, अरबी, अरबी भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में टारा रूट कहते हैं, टारो रूट। तो टारो रूट जो है, इसका जो प्लांट है ये कैसे उगता है, इसके जड़ें भी खाई जाती हैं, इसके पत्ते भी खाए जाते हैं और इसके जो पत्ते हैं वो एलिफेंटिया जिस तरह का प्लांट होता है ना, उसी तरह के इसके पत्ते होते हैं। तो अभी आज हम इसको जो है वो फ़िलहाल इसको हम ग्रो करने लगे हैं। इसका जो मौसम है वो भी मार्च के स्टार्ट में शुरू हो जाता है और अभी हमें थोड़ा सा ताखीर हो गई है इसमें इसको लगाने में, लेकिन इवन देन अभी हमारे पास बहुत टाइम है क्योंकि इसकी जो फसल है वो तकरीबन 4 से 4.5 महीने में ये तैयार हो जाती है, तो इसलिए इतना कोई डिले नहीं है इसके अंदर। और इसे कंटेनर्स के अंदर उगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए होता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो कंटेनर्स के अंदर इसकी जो सब्ज़ी है वो शायद हमें बहुत अच्छी ना मिल सके, लेकिन इसके जो फ्रेश पत्ते होंगे वो हमें ज़रूर मिल जाएंगे पकाने के लिए। तो इसके पॉटिंग मिक्स की जो डिटेल्स है इसको लगाने के लिए, जो इसका सीडलिंग मिक्सचर है उसे आप लोग समझ लीजिए। ये एक मेरे पास ये कोकोपीट है, ये मेरे पास थोड़ी सी भलमट्टी है और बाकी एक हिस्सा मेरे पास कंपोस्ट है। तो ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको हम इस तरह से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमने अपने छोटे जो पॉट्स हैं उसी के अंदर हमने इसको फ़िलहाल उगाना है ताकि ये थोड़ा सा जब उग जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए, कम से कम ये हमारा 2 से 2.5 हफ्ते लेगा इसका प्लांट जो है वो उगने के लिए। तो जब एक दफ़ा ये उग जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो हम इसे बड़े किसी प्लांटर के अंदर, किसी बड़े जो है ना वो गमले के अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे और फिर उसका जो डिटेल प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर इसके जो पत्ते जब इसके निकलने शुरू होंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एलिफेंटिया जो प्लांट होता है ना, तो उसके जैसे इसके पत्ते होते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते, और पत्ता भी इसका पकाया जाता है और इसको ख़ुद भी पकाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ज़हन नशीन रखिए कि ये ऐसी सब्ज़ी है कि जिसकी पत्ता हो या इसकी जड़ें हों उनको आप कच्चा नहीं खा सकते, उनको आपको पकाना ज़रूरी होता है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें मेरे पास ये इसकी जो शूट्स हैं ना यहाँ पे, ये इसके आप देखें छोटी छोटी चश्मे इसकी मौजूद हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये जब आप इसे प्लांट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये रूट्स निकालता है और बड़ी तेज़ी से ये ग्रो करता है। तो अभी हम इसको फ़िलहाल, आपने देखें ये पॉटिंग मिक्स जो सीडलिंग मिक्स मैंने आपको बताया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे इसको हमने रखना है और इसके अंदर कम से कम हमें 1.5 से 2 इंच हमने इसको इसी तरीके से हमने इसको मिट्टी से कवर करना है। अच्छा, मिट्टी से कवर करने से पहले इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये दिन में रखिए, ये मेरे पास है नीम केक। नीम केक क्या होता है, जब नीम का हम तेल निकाल लेते हैं तो उसमें से जो बाकी बचता है उसको ड्राई करके तो उसका नीम केक पाउडर जो है ना वो तैयार कर लिया जाता है। तो ये नीम केक पाउडर जो है ना वो भी हमने इसके अंदर डालना है ताकि इसके अंदर कोई भी जो फंगल अटैक है, जो कि पानी के अंदर गीला रहने की वजह से कभी भी हो सकता है, तो वो फंगल अटैक जो है वो इसके अंदर ना हो। तो ये जो नीम केक है ये मैंने इसका पैकेट खोल लिया और ये तकरीबन इसी मिक्सचर के अंदर ना हमने तकरीबन इतना सा नीम खली पाउडर जो है, ये नीम खली पाउडर भी इसको कहा जाता है, नीम केक मिक्सचर भी इसको कहा जाता है, तो ये हमने इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल लेना है इसको कवर करने से पहले यहाँ पे। तो ये हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया। इसी तरीके से इसका जो दूसरा जो छोटा सीडलिंग प्लांटर है हमारे पास उसमें भी डालेंगे। उसमें जैसे मिक्सचर मैंने आपको डिटेल बताई थी, एक हिस्सा मेरे पास कोकोपीट थी, एक हिस्सा मेरे पास कंपोस्ट थी और एक हिस्सा मेरे पास भाल मिट्टी थी, तो वो मैंने इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर मिक्स हमने कर लिया था। और इसी तरीके से जैसे ये देखें, ये मेरे पास अगला दूसरा इसकी दूसरी रूट है जो कि उगने के लिए, ये देखें यहाँ से इसकी छोटी छोटी चश्मे जो है ना ये मौजूद हैं, तो इसको भी इसी तरीके से हमने इसके अंदर प्लांटर के अंदर हमने इसको रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो है वो हमने इसको इसी तरीके से नीम केक और ये वाला जो मिक्सर है हमारा, तो इसके साथ हमने इसको इस तरीके से ऊपर से कवर कर देना है। और इनको भी हमने जो आजकल चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और यूवी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये इनिशियल वीडियोस हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो वीडियोस होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और एक कंबाइन जो वीडियो होगी एंड के ऊपर वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी आपको इस वीडियो को जल्दी दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि अभी चूँकि मौसम जो है वो गुज़र रहा है, तो अगर आप अपने किचन गार्डन के लिए इस प्लांट को, इस सब्ज़ी को आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से अपने पास ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप आसानी से जो है ना वो इसे ग्रो कर सकते हैं।
तकरीबन दो से ढाई हफ्ते के अंदर जो है ना वो इसके अंदर से आपको लीफ निकलते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे और इसकी रूट्स जो हैं वो आपको डेवलप होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसे रखें इसके अंदर। और यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास जो जड़ है इसकी जो चश्मे हैं दोनों ये ऊपर की तरफ हैं, तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे इस तरह मिट्टी के अंदर हमने इसे रखना है और इस तरीके से जो हमारा मिक्सचर है वो उसके अंदर हमने इसको कवर कर देना है ऊपर से तकरीबन 1.5 से 2 इंच। तो ये हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर कवर कर दिया इस तरह से। और अभी ये तीनों पॉट जो हैं हमारे, ये तीन पॉट रेडी हैं, बाकी भी जो है मैंने इसी तरह से मैं लगाऊंगा और इसके उगने के बाद जो है ना वो इसकी डिटेल जो है फर्दर वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसे हमने जो पानी देना है वो इस तरह से एक दफ़ा पहला पानी जो है वो हमने इसे भर के दे देना है ताकि इसकी जो पूरा जो इसका पॉटिंग मिक्सचर है वो इसका अच्छे तरीके से रेडी हो जाए इस तरीके से। और उसके बाद इसे पानी सिर्फ हमने उस वक्त देना है जब इसे वाकई में पानी की ज़रूरत होगी। इसे नमी चाहिए, सिर्फ इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। इसे इसका जो जो भी इसका जो मिक्सचर है, जो सीडलिंग मिक्सचर है, उसे सूखना नहीं चाहिए। तो इसे इसके अंदर नमी बरकरार रहनी चाहिए और लेकिन ओवर वाटरिंग से अवॉइड करें। ओवर वाटरिंग होगी तो ये इसके सूखने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत पौधा भी है, जब ये उगेगा तो आप देखिएगा कि ये आप देखने में भी कितना प्यारा लगता है। और इसके जो पत्ते हैं वो ऑर्गेनिक हमारे किचन के लिए वो वैसे ही रेडी होंगे, तो हम पत्ते भी काट सकते हैं और पत्ते काट के हम उनको भी पका सकते हैं। और जब इसके नीचे से जड़ें निकलेंगी तो हम उनको भी पका सकते हैं। और इसे जब तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद जब हम इसे बड़े प्लांटर के अंदर शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो डिटेल्ड वीडियो होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पार्ट वाइज इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता जाऊँगा। आप लोग अगर इसे लगाना चाहते हैं तो जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है उसके साथ आप इसे लगा लीजिए। अपने किचन गार्डन के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें उगाना चाहते हैं, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो आप पसंद करते हैं और आजकल के मौसम में आप उन्हें उगाना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्ज़ी के बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर मुमकिन हो सका तो उसके ऊपर भी प्रोसेस की डिटेल वीडियो जो होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।